2019 को रुखसत करके 2020 को खुशामदीद कहने वालों ने सोचा भी ना होगा कि ये साल उनके लिए क्या क्या इम्तिहान लाएगा। अभी 2020 के 4 माह भी मुकम्मल नहीं हुए थे कि इस साल की झोली गैर मामूली वाकयात से भर गई। 3 जनवरी को अमेरिका ने इराक में ईरानी कुदस फोर्स के सरबरा जनरल कासिम सुलेमानी के काफले पर मिसाइल हमला किया। जनरल कासिम सुलेमानी इस हमले में जांबहक हो गए। अमेरिका ईरान में कशीदगी की वजह से ईरान ने तेहरान की फिजाई राह गुजर से गुजरने वाले यूक्रेनी तैयारे को मार गिराया, जिसमें 176 मुसाफिर जान से गए। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जनवरी के महीने में ही बदतरीन आतिशजदगी हुई, करोड़ों एकड़ पर फैले दरख्तों और जानदारों को राख कर गई। एक अंदाजे के मुताबिक इस सानहे में 1 अरब जानवर सफ़े हस्ती से ही मिट गए। जनवरी 2020 में ही लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के करीब हेलीकॉप्टर क्रैश में मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट अपनी बेटी और 7 अफराद के हमरा हादसे में चल बसे। 21 जनवरी को बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन से बाकायदा अलहदगी इख्तियार करके ब्रेग्जिट को हतमी अंजाम तक पहुंचा दिया। मशरकी अफ्रीकी ममालिक समेत मुतअद्दिद खितों में टिड्डी दल के बड़े हमले हुए, इनका असर पाकिस्तान में भी देखा गया। चीन में कोरोना वायरस फैला और इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। बेहतर हिफाजती सामान की अदम मौजूदगी में लोग रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। कोविड-19 नामी इस वायरस ने दुनिया भर के ममालिक को लॉकडाउन पर मजबूर कर दिया। सफरी पाबंदियाँ लगें और रियासती उमूर से लेकर आम इंसान का कारोबारी ज़िंदगी तक मुअत्तल होकर रह गया। 2020 के आखिर में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन सामने तो आई, लेकिन साथ ही कोरोना वायरस की हैयत तब्दील करने की बायस दुनिया को कोरोना की नई सूरत के चैलेंज का सामना है। दुनिया भर ने फरवरी में सुपर मून का नज़ारा किया, जो कि अपने साइज से काफ़ी बड़ा और गैर मामूली दिखाई दे रहा था। मार्च में कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से आयद होने वाली पाबंदियों ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। हम में से कई अफराद 2020 के दौरान ऑनलाइन चले गए, चाहे बात, काम, शॉपिंग या दोस्तों से मिलने की हो। अप्रैल में सामाजिक फासले के लिए किए जाने वाले इकदाम ने लोगों की तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ा दिया। मई में अफ्रीकी निजाद अमरीकी शख्स जॉर्ज फ्लॉयड पुलिस के हिरासत में थे, जब उनकी हलाकत हुई। इससे नस्ली इम्तियाज और पुलिस के तशद्दुद के खिलाफ एक आलमी तहरीक का आगाज हुआ। अमरीका में कैलिफोर्निया और सैक्रामेंटो में होने वाले मुजाहरे तो बस एक शुरुआत थी, जिसने पूरे मुल्क को मुतहरिक कर दिया। जुलाई के महीने में पाकिस्तान, ईरान और इंडिया में फसलें तबाह करने के बाद ये टिड्डियाँ मशरकी अफ्रीका पहुँची थी। अगस्त के माह में दुनिया ने अपनी तारीख के सबसे ताकतवर गैर जोहरी धमाके को देखा, जो कि लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा लोग हलाक और हजारों जख्मी हुए। ब्राजील के रेन फॉरेस्ट एमाजोन में दहाई की सबसे बड़ी आग सितंबर के महीने में लगी। इस पर माहौलियात के माहिरीन और कारकुनान ने काफी तशवीश जाहिर की थी। अक्टूबर 2020 में दुनिया भर में कई हुकूमतों ने इस बारे में गौर किया कि आया लॉकडाउन लगाकर कोरोना वायरस को फैलाव से रोका जा सकता है। कई सनतों से वाबस्ता अफराद अपने कारोबार से मुतालिक फिक्रमंद थे। दिसंबर कोरोना वायरस से शायद पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है, लेकिन इंसानों की खिला में जाने की दौड़ जारी है। चीन अब दुनिया की तारीख में दूसरा मुल्क बन गया है जिसने चांद पर अपना झंडा लगाया है। 44 बरसों बाद चीनी मिशन चांद से पत्थरों के नमूने लाया है।